और क्या खूबसूरत ग्राउंड था और क्या जबरदस्त एटमोसफियर था, भरा हुआ स्टेडियम। मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया पहले ही ओवर में। वाह, वो बहुत बड़ी गलती होगी भाई मुझसे। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जब मैं आईपीएल में आया था और मेरा दूसरा मैच मेरे ख्याल में तीसरा मैच मेरा था इंडिया में वांकडे में बॉम्बे में, और वो मैच में खेला था सचिन तेंदुलकर के अगेंस्ट इन बॉम्बे अगेंस्ट सचिन, एंड मी एंड शाहरुख खान वाज अप अगेंस्ट वर अप अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर। और वहां पे क्या हुआ आइए चलिए आपको वो सोचना होगा। शाहरुख खान एक बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही नफीस आदमी है और बड़े दिल से इज्जत भी करता हूँ। जब हमारा बॉम्बे मैच हो रहा था तो हम दोनों वांकडे में थे उस रात से पहले, सॉरी हम खाने पे थे, और शाहरुख ने कहा कि तू कल मैच है बाहर तो नहीं जा रहा। तो मैं कहा नहीं शाहरुख मैं बाहर नहीं जा रहा, अगर तू गया ना मुझे, मैं पूरा बॉम्बे जानता हूँ, अगर तू बाहर गया ना मैं तुझे पकड़ लूँगा। तो मैं कहा यार मैं सलमान की तरफ जा रहा हूँ, सलमान खान की तरफ जा रहा हूँ। तो कहते अच्छा ज़्यादा पार्टी वार्टी पार्टी करना वहाँ पर जाए। मैं कहा नहीं है पार्टी वार्टी नहीं करो। तो कहते अच्छा फिर जब तो होटल पहुँच जाएगा मुझे फ़ोन करने, मुझे बता दें तो पहुँच गया खैर खरीद से। कहता भाई खुदा का वास्ता ये बॉम्बे है और शाह मैं और तू अप अगेंस्ट इस वक्त सचिन तेंदुलकर हैं, याद रखी ये चीज़ें, और सीधा जाएंगे अपना अपना होटल जाएंगे और रेस्ट वेस्ट करें और मैच जिताने की कोशिश करें। तो खैर हमने बहुत कम स्कोर किया था, लेकिन मैंने उसको भी सचिन को आउट कर दिया था वांकडे में। फिर जब अब जब मैच शुरू हुआ भाई, अब देखो ये सचिन तेंदुलकर का शहर है, सचिन तेंदुलकर वर्सेस में, अब शाहरुख खान मैं शुएब सचिन शाहरुख खान, ठीक है अब हम मरकज़ निगाह बने हुए हैं। बाहर जाएं स्टेडियम, अगर ड्रेसिंग रूम से बाहर जाएं तो पूरा बॉम्बे खड़ा हुआ है, तो इतनी देर मोटी मोटी गालियों के साथ चाहिए ना भाई, अब मैं हूँ और सचिन होंगे तो ऑब्वियसली। तो मैंने कहा शाहरुख भाई आप आए ना बाहर, ना तू बाहर जा रहे, मैं नहीं आ रहा भाई तू बाहर चल। अच्छा मैं चला गया बाहर, अब ट्रेनिंग वनिंग कर रहा हूँ, अब मैं जहाँ भी रन अराउंड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली नॉट इन द बैड वे, लेकिन ऑब्वियसली चैट कर रहे थे और बड़े एक्साइटेड थे, सचिन भी आया मैं भी आया, हम दोनों आपस में मिले और क्या खूबसूरत क्राउड था और क्या जबरदस्त एटमोसफियर था, भरा हुआ स्टेडियम। मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया पहले ही ओवर में। वाह, वो बहुत बड़ी गलती होगी भाई मुझसे। लो जी फिर मुझे फाइन लेग के ऊपर वो गालियाँ पड़ी ना, सौरव गांगुली ने कहा शेबी मेरे ख्याल में तू ऊपर आ जा, ऊपर खड़ा हो जाए मिड विकेट में, तुझे जान से मार देंगे, तुझे किसने कहा सचिन को आउट कर, और वो भी वांकडे और बॉम्बे में। तो मुझे फिर मैं बॉम्बे में काम किया, मैंने बड़ा काम किया और मुझे इतना प्यार दिया, मुझे किसी किसी ने भी ना मुझे मुझे खुशी हुई वांकडे में, ना मेरे मुल्क को गाली दी गई, ना मुझे गाली दी गई, ना रेसिस्ट कमेंट पास किए गए। जब मैं काम किया बॉम्बे में 5 साल, मैंने कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, और ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, और मुझे इतनी खुशी हुई इस दिन की। ठीक है देखिए ना, अब सचिन है वांकडे में है और शुएब है, तो ऑब्वियसली दिस इज सचिन सिटी राइट। तो एक बड़ा एक हेल्थी कॉम्पिटिशन हुआ, लेकिन ये ना मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार बड़ा पैशनेट क्राउड था, काश ज़्यादा मैच खेलता वांकडे वगैरह में तो मज़ा आता। लेकिन शाहरुख ने मुझे वैसा कहा यार प्लीज़ बॉम्बे में बाहर ना जाएं, रात को बाहर ना जाएं प्लीज़, और घर सो जाएं जाकर। तो फिर मैंने उसकी एडवाइस को लिया और मैं सो गया।